ऐसा होता है यहाँ से मॉर्निंग, क्या खूबसूरत जंगल का व्यू है यहाँ पे, नेचर एट इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। लग रहा है कि दौड़ के अंदर चले जाए। क्या चल रहा है सपा? मेकअप। क्या चल रहा है? मेकअप क्यों चल रहा है? सम बुकिंग टिप्स और इन्फो अबाउट दिस प्लेस। आप बुकिंग करेंगे जब उसको, उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा कौन सा बिल्डिंग कैसा है और कौन सा बिल्डिंग कहाँ सिचुएटेड है। इनफैक्ट आप मैप में भी नहीं ढूंढ पाओगे। ये है गढ़पंचकोट बोल के बिल्डिंग, तो इसमें सब सुपर डिलक्स ही रूम है। और आप पहले आओगे तो ऊपर वाला रूम आपको मिलने का चांसेस है, क्योंकि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप का अलॉटमेंट प्रोसीड्योर है। आपको ठीक ठाक टाइम में आना है। और सेकेंड है कि यहाँ पे हर बिल्डिंग का, जैसे मैं बताया, इस बिल्डिंग का नाम है गढ़पंचकोट, ये है साल पियाल या अर्जुन कुछ। सो दिस इज़ कैंटीन एरिया। आपको बुकिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं मिलता है, ब्रेकफास्ट या उस टाइप का कुछ, टी मॉर्निंग स्नैक्स कुछ नहीं मिलता है। तो सब कुछ आपको यहाँ से परचेस करना है। और एक गलती हम लोगों ने किए थे कि बुकिंग रिसीट में ही इन लोगों का नंबर दिया हुआ है, वहाँ फ़ोन करने से आपको आइदर इन्फो मिल जाएगा क्या फूड का अवेलेबिलिटी क्या है, या फूड कैसे आपको बुक करना है, कैसे लेना है। वहाँ पे आप फ़ोन करेंगे, पहले आने के पहले आप लोग फ़ोन कर लीजिएगा, क्योंकि फूड का उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। खाना सब बहुत बढ़िया है, एकदम घर जैसा खाना है, लेकिन पहले से आपको बोल के रखना है। ये खूबसूरत है, बच्चों की खेलने की जगह बनाया गया है। ये है एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग आए थे। पार्किंग एरिया, दिस इज द रिसेप्शन बिल्डिंग। यू कैन गो ऑन ट्रेकिंग इफ यू विश टू। इस साइड से आपको बहुत अच्छा सा एक ट्रेक रूट मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ। आज सुबह भी इसी रूट पे हम लोगों को ट्रेकिंग जाने का प्लान था। मैं अलार्म लगाया था 6 बजे का, लेकिन इतना तगड़ा नींद आ रहा था। कल सुबह तो ऐसे ही हम लोगों का बुकिंग है, यहाँ से डायरेक्ट चेकआउट करना है, तो कल का हम लोग देख लेंगे, कल एक बार ट्राई लेंगे। तो ट्रेक रूट जो है बेसिकली इस प्रीमिसेस के बाहर वो एक दरवाज़ा है छोटी सी, उसके उस पार से है। ये रास्ते में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए कितना नीचे है। और इस बिल्डिंग का नक्शा मुझे सबसे अच्छा लगा, एकदम प्रीमियम जो बुकिंग ऑप्शन है शायद उसमें ये मिल जाएगा। यो मैन, यो मैन, सो हियर वी आर स्टार्टिंग फॉर ए शॉर्ट स्पिन टूवर्ड्स पंचर डैम। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये जगह इटसेल्फ ही इतना अच्छा है कि यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 दिन रहना है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और प्रॉपर्टी में इटसेल्फ ही आपको जंगल पहाड़ वाली फील मिल जाएगी। वैसे टाइम हो गया है 11:08, बोटिंग करने का पहले प्लान किए थे, लेकिन आज लग नहीं रहा है कि बोटिंग होगा। वेस्ट बंगाल का इस पार्ट का भी रास्ता बहुत अच्छा है, खूबसूरत रोड बना हुआ है यहाँ पे। बहुत लंबा है ये डैम, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ वहीं करीब 1.5 किलोमीटर तो होगा, उसके उस पार भी 3-4 किलोमीटर लंबा तो है ही। तो यू टर्न कर लिया क्योंकि इस साइड थोड़ा कंजेस्टेड फील हो रहा है। ये गई आपका नीचे पिकनिक स्पॉट जाने वाली रोड, इस साइड ही व्यू ज़्यादा अच्छा है। बस लुको लुको, कहाँ लुको? लुको दिस साइड। यहाँ पे आके कितना फ्रेश फील हो रहा है, हवा ठंडा आ रहा है यहाँ से। दूर पता नहीं कुछ भोजपुरी सॉन्ग चल रही है। वो पहाड़ का जो आउटर सिल्वेट दिख रहा है, लग रहा है कि हवा में मिल गया है पहाड़। ए
रास्ता ओनली एक गाड़ी चलने लायक है, दो गाड़ी आमने सामने भिड़ जाए तो थोड़ा प्लान प्लॉट करके आपस में पास लेना होगा, साइड लेना होगा। क्या रास्ता है ये, स्टिल 5.7 किलोमीटर। तो बेसिकली हम लोग पहाड़ के उस पार रह रहे हैं और ये गढ़पंचकोट रुइंस का जो हेरिटेज साइट है ये इस पार है, उल्टा साइड आ गए। करीब 10 किलोमीटर है डिस्टेंस, फुट हिल में जो रोड बना हुआ है उस वहाँ से घूम के आने में, मतलब वही एक रोड है। फ्रेशनेस ऑफ नेचर, आई कैन स्मेल इट। सो हियर इज़ द साइट। आज तो बहुत ज़्यादा ही क्राउडेड है, पिछले वीकेंड है, कंसेक्यूटिव दो दिन छुट्टी है तो क्राउड तो होना ही है। अराइव्ड एट द पार्किंग स्पॉट। यहाँ एक पुरानी मंदिर भी है, आदि कल्याणेश्वरी मंदिर। तो बेसिकली ये पूरा जगह ऑलमोस्ट एक रुइंस है, अभी के टाइम में पूरा एक कॉलोनी हुआ करता था जैसा देख के लगता है। अभी फूट गया, अभी फूट गया ना। यह है ग्राउंड लेवल और यहाँ पे अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था, बहुत डीप है। কি বানাচ্ছ এটা? কি হবে এটা? তো শুকিয়ে গেলে দুমড়ে যাবে না? एक बार हम लोग इधर थोड़ा टहल लिए रुइंस के बगल से, रुइंस देखना हो गया और ये सब काफ़ी छोटा मोटा सुवेनियर सब लगा हुआ है, आप परचेस कर सकते हो घर सजाने के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए। पुरुलिया स्पेशल। ओ पुटू, वो के आसपास ही रहना पसंद करते हो। ओए पुटू, तब बस यही बोल लो। इतना गर्म है सजे। तो अभी हम लोग चल दिए सनसेट देखने, सूरज अभी भी काफ़ी ऊपर है लेकिन हम लोगों शायद पहुँचते पहुँचते करीब एक घंटा जैसा लग ही जाएगा क्योंकि डिस्टेंस दिखा रहा है 19 किलोमीटर यहाँ से, लेकिन रास्ता अननोन है। स्वेटर बोलना ना ऊपर देखो। भूलेगा जी ना, फिर से मैं भूल गया, एक थोड़ा थर्मल टाइप का पहन लिया इसीलिए गर्मी लग रहा है, अभी के टाइम के हिसाब से ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है ये, मतलब शहर के हॉस्टल वॉस्टल से दूर, और यहाँ तो रात को कुछ साउंड भी नहीं है, पूरा चुप है, एक तो सुनसान टाइप का क्योंकि वो बहुत दूर से गाड़ी या फैक्ट्री का आवाज़ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन अदरवाइज बहुत सुंदर लग रहा है रात के टाइम। सो स्टार्टिंग 3:47 इज़ द टाइम, डेस्टिनेशन है बड़ंती लेक सनसेट व्यू पॉइंट। इस रोड में दिखाया 2.7 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 9.6, चार है टाइम, अब इवनिंग के 4 बजे, खाली दो इंजन जा रही है, लेकिन इसी का डर था मुझे, पूरा डांस देखे गया। की हो चटा सरस्वती पूजा चांदा दादा, ओ साइकिल चांदा लागे ना, बाइक से तू चांदा।
बहुत खूबसूरत है जगह, इसलिए भीड़ भी काफ़ी लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा आता है यहाँ से सनसेट का। Here we are, waiting for the sun to go down. खत्म हो गया, सूरज भी डूब गया, हम लोगों का घूमना भी खत्म हो गया, अब घर जाना। सनसेट स्टोरी हम लोगों ने खत्म कर लिया। यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा है, अभी सनसेट होने के बाद भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ए मत करो, हम लोग बाइक लेके है बोल के थोड़ा आगे आगे, लेकिन एक्चुअल पार्किंग उधर से आना पड़ता है। उधर से आके ये यहाँ पे पार्किंग बना दिया, कार पार्क। थैंक्स फॉर विजिटिंग रामचंद्रपुर इरीगेशन स्कीम। ठंडा, ऊपर से जंगल, सिचुएशन डिफाइन करने में ही मुझे रोमांच आ रहा है। टाइम हो गया 6:12, आप पहुँचे ठिकाने में। आज का स्टोरी ख़त्म। रात के टाइम तो कैंटीन लुक्स इवन मोर नाइसर। एक नई सुबह फिर से इनसाइड द वुड्स। आज ऐसा ही बादल जैसा लग रहा है। बादल, धूप आएगा कि नहीं पता नहीं, बरस जा रही। हम लोग का यही होता है कि लौटने का दिन थोड़ा बारिश हो ही जाता है। आज मकर है, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी सबको। जब तक वीडियो एडिट हो रहा होगा तब तक मकर नहीं, शायद विंटर सरस्वती पूजा होगा। आज काफी ज्यादा ठंडा है, धूप नहीं निकल रहा है। चलो चलते हैं इस ट्रैक रूट पे। एक्चुअली ये जगह पूरा है, हम लोग गए थे अराकू वैली में, अनंतगिरी हिल्स में, पूरा टाइडा जंगल बेल बोल के एक रिसोर्ट है उस टाइप का। तुम्हें की कोरा प्लान कर चो? तो अभी लास्ट आवर पे हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करके करने के लिए निकले। आज 15 मिनट टाइम है, 10 बजे चेकआउट करना है। 9:30 अभी हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, आधा घंटा ग्रेस तो आई गेस मिल जाएगा। काफ़ी ऊबर खबर पत्थर है। कल हम लोग के फ्रेंड लोग आए थे तो वो लोग बोले बहुत चले, भी कुछ डेस्टिनेशन नहीं मिला, बहुत ऊपर तक जाना पड़ा। पापड़े सच में बहुत ऊपर है, ठंड भी काफ़ी है। इस साइड से आना पड़ा, फिर ऊपर वहाँ काफी स्टीप है। क्या हुआ? उठते किंतु 4 हाथ पा लगे। नाउ दिस इज मच स्टीपर, एखाने हामागुड़ी दिए उठते हैं। लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो। देखे नहीं अभी। अरे भाई यहाँ तो और भी एक स्टेज का है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी जैसा ही बना हुआ है पत्थर से। चल चल, तो कष्ट करता रहा, चल चलो चलो भाई, आए आए आ जा। चल इट्स रिटर्न टाइम, लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लोरेशन। एंड ऑफ ट्रिक, एंड ऑफ ट्रिप। अब जाना है घर, तो काम दो जो अभी बाकी है, बैग बैग फाइनल पैकिंग करना है, बाइक में माउंट करना है और ब्रेकफास्ट करना। सो फाइनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने का सेम रास्ता, तो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग। जाने के रूट में कुछ खास देखने वाला हम लोग का प्लान है नहीं, घूमने वाला, तो चलते हैं आगे तरफ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। झारखंड साइड से मैंने फ्यूल टॉप अप कर लिया।
से कैसे कनेक्ट करें, उस पार जाना है मुझे, घूम के आना होगा। तो अभी पकड़ लिया है NH-19, यहाँ से सीधा है बोड़ाक और रिवर आएगी, उसके बाद आसानसोल, देन दुर्गापुर, बर्धमान, डानकुनिया, देन कोलकाता। टुक ए स्मॉल टी ब्रेक एट दुर्गापुर टोल। अभी देर ही बज रहा है लेकिन वहाँ पे ब्रेकफास्ट इतना तगड़ा किए थे कि भूख नहीं लग रहा है अभी। क्रॉसिंग बर्धमान टू द बाईपास। दोपहर का एग्जैक्टली 3:05 हुआ है। यहाँ पे ढाबा स्टाइल जो फूड इटरीज होता है उसको होटल ये लोग बोलते हैं। लंच हम लोगों ने कर लिया है लेकिन यहाँ का धूप इतना अच्छा है, यहाँ से उठ के जाने का मन नहीं कर रहा है। रिटर्निंग होम आफ्टर 3 days, 5:49, एंटरिंग होम सेफ एंड साउंड आफ्टर ए रिलैक्स ट्रिप।